बात करने वाले हैं दो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज के ट्रैप में फंस सकते हैं और बहुत सारे लोगों को लॉस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोमो में फंसते हैं और फोमो में फंसाने वाले भी मार्केट के अंदर हैं और फोमो में फंसने वाले भी हैं। तो उनको कैसे यहाँ पर बचाना है, ये काम हमारा है और हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप फोमो में फंसेंगे तो आपका इजीली लॉस बुक होगा और कुछ भी नहीं होगा, है ना। इमोशंस और फोमो, ये एक ऐसी बीमारी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि भैया आप बस इमोशंस में बह गए, आपने पैसा डाला, फोमो किया, आपको मिला लॉस। रिटर्न तो आपको दूर की बात है, बहुत सारे केसेस में रिटर्न तो मिलता ही नहीं है, लेकिन लॉस जरूर मिलता है। और आप सबको लॉस ना हो उससे बचाना भी हमारा काम है, आपको सही डायरेक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट एक बहुत रिस्की मार्केट है, आप किसी भी क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं तो हमेशा ऑलवेज अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम जिन दो क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इमोशंस और फोमो की बात क्यों कर रहा हूँ, ईजिली लॉस की बात क्यों कर रहा हूँ इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज को लेके, ये दोनों क्रिप्टो हैं बिटगर्ट और लवली इनू। बिटगर्ट और लवली इनू की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, लिस्टिंग्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है इस मंथ, है ना। बिटगर्ट की 10 लिस्टिंग होने वाली है। कहाँ पे? अभी एक्सचेंजेस के नाम यहाँ पर रिवील नहीं हुए हैं, हर 2-3 दिन में लिस्टिंग होगी। पूरा अगस्त मंथ तो बिटगर्ट की 10 लिस्टिंग होने वाली है और दूसरी तरफ लवली इनू की भी 15 लिस्टिंग होने वाली है। दोनों के आप प्राइस देखेंगे इंडियन रुपीस में 40 के साथ ये 27-28 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इंडियन रुपीस और डॉलर्स में भी दोनों की 60 हैं, इंडियन रुपीस में दोनों की 40 हैं, मतलब प्राइस में भी सेम है। दोनों की सेकेंड ईयर की एनिवर्सरी है, उसके सेलिब्रेशन के लिए 10 लिस्टिंग बिटगर्ट की और 15 लिस्टिंग लवली इनू की, ये सब हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब यही से गेम शुरू होता है ना, फंसाने के लिए जो पंप आ रहा है। पहले आपने देखा लवली में ऑलरेडी 500% का पंप आ चुका है, 500%, और हमने आपको 2 दिन पहले भी अवेयर किया था कि लवली इनू उस दिन उस टाइम के बाद लवली इनू में फ्लक्चुएशन नहीं आए। हमने आपको वहीं पे अवेयर कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग फोमो में खरीदते हैं, इजिली खरीदते हैं, उनको दिखता है कि कॉइन पंप कर रहा है और अगले महीने ये सब कुछ होने वाला है उस कॉइन के साथ, तो वो खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद ही असली गेम होता है। तो कुछ पंप जो एट टाइम के ऊपर आते हैं, मतलब जब लिस्टिंग होने वाली है उससे पहले पंप आ रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फंसाने का पंप है। बिटगर्ट में भी कल हमने 30% का मोमेंटम देखा, लेकिन आप देखो हाइप जब क्रिएट होती है, उस हाइप के अंदर ना जिन लोगों का पैसा इन क्रिप्टो में लगा हुआ है, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूंगा, बहुत सारी क्रिप्टो हमने देखी है जब हाइप क्रिएट होती है, जिनका पैसा लगा होता है उनको अपना प्रॉफिट बुक करना होता है, ठीक है। और फंसाने वाले भी हैं, मार्केट भी फंसाता है, वेल्स भी आपको पंप करता हुआ दिखाएंगी। क्यों? क्योंकि भैया लिस्टिंग होने वाली है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ, इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज में पूरा अगस्त मंथ, ठीक है, क्योंकि पूरा अगस्त मंथ ये लिस्टिंग वाला सफ़र चलने वाला है। लवली इनू की तो 15 लिस्टिंग है, नो डाउट अगर कोई बड़ी लिस्टिंग भी होगी तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ इन दोनों क्रिप्टो करेंसी से कि बड़ा कुछ होगा। अगर कोई बड़ी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो गई, अगर बाइनेंस पे भी लिस्टिंग हो गई, तो आप यूँ समझ लीजिए उसके बाद कुछ टाइम के लिए दोनों क्रिप्टो डाउन हो सकती हैं, है ना। आपने देखा होगा पैपे के अंदर जो कुछ हुआ, फ्लॉकी इनू में भी जो कुछ हुआ जब दोनों आए थे बाइनेंस के ऊपर, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जब बड़ी लिस्टिंग हो रही है उसी टाइम आपको कुछ बड़ा होता हुआ दिखे, बाद में होती हैं चीज़ें या पहले होती हैं। लेकिन अगस्त मंथ को ध्यान में रखते हुए, उन लिस्टिंग्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप पैसा डाल रहे हो इन क्रिप्टोज में, तो आपके लिए भैया अलर्ट है। और ये डंप अलर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पूरा अगस्त मंथ ये दोनों क्रिप्टो में भी आपको ज़्यादा पंप करती हुई दिखे ही नहीं। पिछला अगस्त मंथ याद होगा जब लवली इनू की लिस्टिंग स्टार्ट हुई थी, 29 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, तो जैसी स्टार्टिंग हुई 2 अगस्त वो डेट थी जब लवली इनू ने
फाइनल अपना पंप दिखाया है ना, मतलब फंसाने वाला पंप, और उसके बाद कॉइन में मूवमेंट ही नहीं आया। उसके बाद इतना टाइम वो उस लेवल से डाउन चला गया, वो हाई लगाने के बाद लवली इनू वहाँ से ऊपर उठा ही नहीं है ना। तो चीज़ें रिपीट भी होती हैं, और आप देखते हो मार्केट में जिस दिन कोई न्यूज़ आती है, कुछ इवेंट होता है, आप देखते होंगे CPI डेटा भी आता है और FOMC का डिसीजन भी आता है, तो भैया मार्केट न्यूट्रल रहता है, उसी टाइम रिएक्शन नहीं देता आपको है ना। तो भैया जो होता है या तो पहले होता है या बाद में होता है, क्योंकि उसी टाइम उसी इवेंट के टाइम पे अगर कुछ होगा तो आप इजीली अपनी जो है ट्रेड ले लोगे, इन्वेस्टमेंट कर लोगे और आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। तो इतना इजी भी मार्केट प्रॉफिट नहीं देता है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। बहुत सारे हाइप क्रिएट हो रही है कि बिटगट अगले 5 दिनों में ऑल टाइम हाई हिट करने वाला है, पॉसिबल नहीं है ऑल टाइम हाई हिट करना, ठीक है। और अगर पंप आ भी गया अगस्त की स्टार्टिंग में भी, अगर फ्लक्चुएशन आता है 10% का 20% का इन दोनों में से किसी भी क्रिप्टो में, तो भैया वो समझ लीजिएगा एक फंसाने वाला पंप है और कुछ भी नहीं। बड़े फ्लक्चुएशन आपको दिख ही नहीं सकते अगस्त मंथ में। आप भूल जाओगे 400 से 500% भी ये पंप आपको, बहुत सारे लोग इतना भी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि अगस्त मंथ में 400-500% का भी पंप आ सकता है, लेकिन इतना तो भूल जाइए, 100% भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, लॉस बुक मत कीजिएगा इमोशंस और फॉर्मों में बह के, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। बाकी जो अपडेट रहेंगे लवली इनू को लेके, बिटगट को लेके, जहाँ जहाँ इनकी लिस्टिंग्स होंगी हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, जो जो सिनेरियो रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। अब लिस्टिंग्स हो रही हैं दोनों कॉइन की, तो लिस्टिंग किन किन एक्सचेंजेस पे होती है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किस कॉइन के ऊपर, किस टॉपिक पे ऊपर चाहते हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी रिस्की मार्केट, तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।